नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने चार्ज लेते ही सुबह सुबह शहर का दौरा करना प्रारंभ कर दिया है। भिलाई निगम क्षेत्र में आयुक्त ने पहला दौरा बैकुंठ धाम के घनी बस्तियों का किया एवं उचित दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अपने पहले मॉर्निंग विजिट के दौरान सफाई की व्यवस्था को देखी। एक दो स्थानों पर उन्हें खुले में कचरे का ढेर मिला, जिसे उन्होंने हटाने के निर्देश मौके पर अधिकारियों को दिए। वहीं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहनों में स्वच्छता से संबंधित ध्वनि और सीटी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई के लिए रोस्टर तैयार करें, नालियों की सफाई निरंतरता में हो ताकि जल जमाव की स्थिति न बने। इस दौरान उन्होंने स्थानीय रहवासियों से भी सफाई को लेकर फीडबैक लिया एवं स्वच्छता बनाए रखने को कहा। कचरा को नाली एवं खुले स्थान पर न फेंकने के बजाय स्वच्छता वाहन को कचरा देने उन्होंने कहा। साथ ही सड़क बाधा कर मलबा बिखेरने पर उन्होंने उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तालाब सफाई तथा इनके सौंदर्यीकरण को लेकर के भी उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। देखिए मेनली जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो स्वच्छता है, इसके अलावा जोन क्षेत्र में और भी कुछ डेवलपमेंट के कार्य होते हैं उसको लेकर जो है, सड़कों की स्थिति को लेकर है, मूलभूत सुविधाएँ हैं, पानी है, सफाई है, ये सब चीज़ को लेकर माननीय आयुक्त महोदय जो है वो लगातार फील्ड में निकल रहे हैं और सुबह सुबह जो निरीक्षण है वो अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। जोन आयुक्त को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी अपने जोन में फील्ड में दिखाई दें, अलर्ट रहें, अलर्ट मोड में रहें और वहाँ पे जो जनता की जो सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए निगम की ओर से उन पर जो है काम करें और जो सफाई है उस पर विशेष ध्यान दें। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त अशोक द्विवेदी, मदर टेरेसा नगर के जोन अध्यक्ष जलंधर सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण मौके पर मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।